himself. What do you speak? सदर जमहूरी हिंद की जानिब से तेलंगाना बिल असेंबली और काउंसिल को भेजा गया। यह बिल कोई तीर्मानम पास करने के लिए या मेजॉरिटी या माइनॉरिटी के बारे में नहीं भेजा गया, बल्कि इस पर इजहार ख्याल दोनों जानिब के लोगों को, आंध्रा और तेलंगाना के लोगों को अपने अपने बारे में इजहार ख्याल करने के लिए बिल असेंबली और काउंसिल को आया है। मगर काफ़ी दिन तक ये सीमा आंध्रा वाले इस बिल को रोकते रहे और जब भी काउंसिल में चेयरमैन साहब आते या असेंबली में स्पीकर साहब आते पोडियम के पास जाकर समय की आंध्रा नारे लगा। ये बात आज तक समझ में नहीं आई। 1956 में जब हमें मिलाया गया था उस वक्त फजल अली कमीशन ने रिपोर्ट में लिखा था कि तेलंगाना के मासूम लोगों को आंध्रा में मत मिलाइए, मिलाया जाएगा तो इनके साथ इंसाफ नहीं होगा। जब तेलंगाना के लोग नेहरू साहब से जाकर इनकी रिपोर्ट बताए और उनसे मुतालबा किया कि हमारी मर्जी के ख़िलाफ़ आप मिला रहे हैं, तो नेहरू साहब ने उसी वक्त वायदा किया था जिस तरह मुसलमानों में खुला और तलाक होता है उसी तरह अगर आपके साथ नाइंसाफ़ी होगी तो आप अपना तेलंगाना ले सकते हैं। मगर काफ़ी जद्दोजहद के बाद, काफ़ी जानों की कुर्बानी देने के बाद आज हमारा बिल कैबिनेट के डिसीजन के बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने असेंबली और काउंसिल को भेजा है। हमारी आंध्रा के तमाम लोग आज ये बताते हैं कि हैदराबाद का डेवलपमेंट 1956 से पहले था और हैदराबाद की तारीख ऐसी थी जो सारी दुनिया में हैदराबाद की शोहरत थी कि आंध्रा वालों ने आज मुसलसिल हमारे साथ नाइंसाफ़ी करते रहे। और ये सब काउंसिल और असम्बली में ये कहते हैं कि निज़ाम सरकार कुछ डेवलप नहीं किए। आप बताइए कोई एक बिल्डिंग भी आंध्रा वालों ने बनाई है? जो कुछ बनाए कमर्शियल बिल्डिंग बनाए हाईटेक सिटी में और उससे वो दौलत बेहिसाब लूटे। ये माधेपुर, जोबली हिल, बंजारा हिल किसकी बाप की जागीर थी? ये तमाम के तमाम मुसलमानों के जायदाद थे। इन्होंने हर शोबे हयात में तेलंगाना के तमाम आवाम को पस्त से पस्त बना दिया और साथ साथ ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़ को सबसे ज़्यादा पस्त। सच्चा साहब जब हैदराबाद आए थे इस्लामिया बाज़ार का मदरसा देखने के बाद उन्होंने कहा कि तबेले से भी बदतर है और मुसलमानों को दलितों से भी कमज़ोर बताया। ये हुकूमत की रिपोर्ट नहीं थी, हमारी रिपोर्ट नहीं थी, ये हुकूमत की रिपोर्ट है। और आज कुछ MLA ये बताते हैं कि निज़ाम ने, जिसमें कुंडा मल्ले साहब ने बताया कि निज़ाम सरकार को हम भगा कर मारे, भगाया गया यहाँ से, जबकि निज़ाम साहब ने कभी भी जंग नहीं लड़ी। उन्होंने हमेशा हिंदुस्तान हुकूमत के साथ थे, इसीलिए उन्हें यहाँ पर जमहूरी निज़ाम कायम होने के बाद राज प्रमुख किया। ये लोग कुछ नहीं जानते तेलंगाना के बारे में, सिर्फ गलत सलत बातों से बात करते। हमने रजाकारों को भगा के मारा। ये रजाकार अवामी इनकलाब था, ये रजाकार निज़ाम की फौज नहीं थी। और निज़ाम साहब ने हमेशा हिंदुस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे और हिंदुस्तान से मिलने के लिए भी रजामंद थे। और इसलिए हम तमाम तेलंगाना के भाइयों से अपील करते हैं, आज आपको ये आंध्रा के गद्दारों का चेहरा सामने आ गया है। कई लोग गद्दारी कर रहे हैं, तेलुगु देशम डबल एक्टिंग कर रहे हैं। चंद्रबाबू हमेशा कहे कि तेलंगाना और आंध्रा मेरी दो आंख है और हम देख रहे हैं काउंसिल और असेंबली में वही तेलुगु देशम के लोग आपस में पोडियम के पास जाकर एक समय की आंध्रा बोलता है, एक जय तेलंगाना बोलता है। ये हमेशा ड्रामेबाजी करते रहे। आज तेलंगाना की आवाम को समझ लेना चाहिए कि कोई अगर पार्टी है तेलंगाना के लिए लड़ने वाली तो तेलंगाना राष्ट्र समिति है। यकीनन KCR एक मसीहा है जो तेलंगाना के आवाम के मसाइल जानते हैं और तेलंगाना की आवाम को गुरबत से ऊंची सतह पर लाना चाहते हैं। आज गुरबत से निचली सतह पर तेलंगाना की आवाम आ चुकी है। ये आंध्रा वालों ने हर शोबे हयात में हमें लूटा। आज काउंसिल और असेंबली में कहते हैं कि तेलंगाना की तरक्की हमसे हुई है। क्या उन्होंने कोई एक दवाखाना बनाया? जितने दवाखाने उन्होंने बनवाया वो कॉरपोरेट दवाखाने हैं। यकीनन तेलंगाना बनने के बाद हम हर चीज़ का हिसाब लेंगे और तेलंगाना की आवाम की खिदमत में कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। KCR हमेशा तेलंगाना के एक मसीहा की तरह काम किए और हमारे फ्लोर लीडर
तमाम के तमाम हमें तेलंगाना यकीनन अजीज है। कल हमारे फ्लोर लीडर लीडर राजेंद्र साहब ने कहा जिस तरह लोगों को अपने अपने मजहब के किताबों पर जितना मोहब्बत है उसी तरह तेलंगाना के अवाम को भी उसी तरह तेलंगाना से अजीज है। इसलिए हम इन आंध्रा वालों की सख्त मजम्मत करते हैं और एक ही बात हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अपील करते हैं कि इस बिल को मजीद किसी मोहलत दिए बगैर और दिल्ली मंगवा कर फरवरी में हमारा बिल पास किया जाए, हमारा मुतालबा।